देशभक्ति और जनसेवा की शपथ लेने वाले पुलिस जवानों की नौकरी किसी चुनौती से कम नहीं है। हर त्योहार अपने से दूर रहकर समाज में शांति स्थापित करना हो या फिर बदमाशों की धरपकड़, पुलिस को हमेशा तैयार रहना पड़ता है। ऐसे में पुलिस जवानों पर बढ़ते तनाव को लेकर इंदौर के तेजाजी नगर थाना प्रभारी ने अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत थाना परिसर में एक वॉलीबॉल मैदान तैयार किया गया है, जहाँ पुलिस वॉलीबॉल खेलकर अपना तनाव दूर कर सकेंगे। इंदौर पुलिस की नौकरी की आपाधापी और परिवार के बीच संतुलन बनाने में पुलिस कर्मियों में तनाव व अस्वस्थता दोनों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में तेजाजी नगर थाना प्रभारी भदौरिया ने आला अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाने के बाहर खाली पड़े मैदान को विकसित कर उसमें वॉलीबॉल ग्राउंड का शुभारंभ किया। ग्राउंड के माध्यम से थाने के जवानों को फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे जवानों में लगातार ड्यूटी से हो रहे तनाव को कम किया जा सके और जवानों के साथ अधिकारियों का भी मनोरंजन हो सके। साथ ही खेल के माध्यम से पुलिस व आमजन के मध्य की दूरी को कम किया जा सके। वॉलीबॉल ग्राउंड के शुभारंभ के अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक आजाद नगर आलोक कुमार शर्मा एवं थाना प्रभारी तेजाजी नगर RNS भदौरिया की उपस्थिति में पुलिस बल एवं सिविलियंस के मध्य वॉलीबॉल का गेम कराया गया। हमारे इस गेम को उत्साहवर्धन करते हुए और जिस दिन का इंतजार था वो आज हमें देखने को मिल रहा है इस ग्राउंड पर। और सर्विस बहुत सुंदर पॉइंट अपने बचाते हुए और उसी के साथ एक पॉइंट लिया NSS नगर सुरक्षा समिति के सदस्य द्वारा एक पॉइंट लिया गया और पुनः एक पॉइंट यहां पर सेकंड 2-0 के साथ में NSS आगे और फिर से एक पॉइंट यहां पर मिलते हुए 3-0 के साथ सर्विस कंटिन्यू 3-0। टीआई साहब के पास में हाथ, यहाँ पर पॉइंट बचाते हुए जाट और बहुत खूबसूरत पॉइंट लिया सर्विस सिंह बहुत सुंदर सर। 1-3 या मैं बहुत सुंदर साहब ने पॉइंट लिया है और बधाई के पात्र यहाँ पर। सर्विस कंटिन्यू 2-3।